स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम प्री मॉनसून सर्विस करेंगे एक्टिवा 110 5G की। तो मैं बताऊंगा आपको कि हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 7,670 किलोमीटर चला हुआ है और ये एकदम बोले तो ब्रांड न्यू स्कूटर है। सबसे पहले हम सीट खोलेंगे। सीट खोलने के बाद एक ये सेकंड और थर्ड ये 12mm के स्पैनर की हेल्प से हम रिमूव करेंगे। ये इसका स्टैंड है, स्टैंड को इसमें इंस्टॉल कर देंगे। 12mm के बॉक्स सॉकेट की हेल्प से और रैचेट की हेल्प से हम ड्रेन नट को रिमूव करेंगे। इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको लूज करेंगे। इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है तब तक हम इसका एयर फिल्टर खोलते हैं। फिल्टर खोलने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे और ये PD2 bit है, इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एयर क्लीनर का केबिन है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब रिमूव करेंगे। ये हम केबिन रिमूव करेंगे और ये देखिए ये एयर फिल्टर है इसका पुराने वाला। ये ऑयल वाला एयर फिल्टर है तो ये कितना गंदा हो चुका है, ये पूरा इसमें डस्ट है। इस वाले फिल्टर का बेनिफिट सबसे ज़्यादा यही होता है कि इसमें पीछे एयर क्लीनर में मतलब जो फ्रेश एयर होती है जो कार्बोरेटर में जाती है उसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाता है। आप कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड में और न्यू में। इसमें अभी ऑयल नहीं है तो इसमें ऑयल हम डालेंगे। ये रहा हमारा ऑयल और इसको हम इसमें डालेंगे। इवनली आप सारी जगह इसमें डाल दीजिए। उस फिल्टर का बेनिफिट सबसे ज़्यादा यही होता है ऑयल फिल्टर का कि इसमें डस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखिए इसमें आपको ज़रा भी डस्ट नहीं दिखेगा पीछे। तो अभी हम इसको नए फिल्टर को इंस्टॉल करेंगे इसमें। अभी ये हमारा कन्वर्टर का फिल्टर है, इसके अंदर एक कन्वर्टर का फिल्टर होता है स्पॉन्ज जैसा, तो उसको भी हम खोल के निकाल के और इसमें न्यू फिल्टर डालेंगे। ये है हमारा कन्वर्टर का फिल्टर का केबिन और इसमें यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम अनस्क्रू करेंगे। ये चारों तरफ से ऐसे लॉक होंगे, इनको रिमूव करेंगे। ये देखिए ये पूरा ऑयल में डिप है। ये देखो आप कन्वर्टर फिल्टर की हालत आप देख सकते हो, इसमें इतना एक्सेस ऑफ ऑयल डाला हुआ है कि वो ब्लैक हो गया है। हमारा न्यू कन्वर्टर का फिल्टर ये देखिए, वो इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पूरा ब्रांड न्यू है और वो इतना गंदा हो गया था ऑयल की वजह से। इसमें एक्सेस ऑयल डाला हुआ था, हम एक्सेस ऑयल नहीं डालेंगे। जैसे एयर फिल्टर में नॉर्मल ऑयल डाला वैसे ही हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये जो हमारा फिल्टर है इसको हम इसके कैबिन में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इस कवर को वापस वहाँ पर लगा देंगे। क्योंकि ये स्कूटर बहुत टाइम से बंद था तो हम इसका ये जो स्पार्क प्लग है इसको भी रिप्लेस करेंगे। ये हमारा स्पार्क प्लग का सॉकेट, इसको लगा के ये 16mm का स्पैनर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद इसको आप हाथ से भी खोल सकते हो। अभी हम इसमें ये जो नया स्पार्क प्लग है इसको इंस्टॉल कर देंगे। इसमें आप सेंटर मैच कर लीजिए और उसके बाद ही थ्रेड को टाइट कीजिए। अभी इसका कवर वापस लगा दीजिए। ऑयल हमारा पूरा ड्रेन हो गया है। अभी इसका जो ड्रेन नट है उसको हम वापस इंस्टॉल कर देंगे। ये जितना भी नीचे स्लज है ये ऑयल लीकेज के वजह से था क्योंकि ये नट लूज था। अभी हम इंजन ऑयल फिल करने के लिए डिपस्टिक को रिमूव करेंगे। इसमें आराम आराम से इंजन ऑयल डालें। तो ये हमारा कंटेनर जो है 800ml का ही है तो हमें इसको मेजर करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डिपस्टिक को वापस इंस्टॉल कर देंगे। इंजन का हमारा सभी काम हो गया है तो अभी हम इसको डिग्गी को बंद कर देंगे और ऊपर से वो जो 312mm के नट है वो बोल्ट हैं उनको टाइट कर देंगे। तो हमने पूरे स्कूटर की सर्विस कर दी है। इसमें हमने इंजन ऑयल रिप्लेस किया, एयर फिल्टर न्यू डाला, कन्वर्टर का फिल्टर न्यू डाला, स्पार्क प्लग न्यू किया,
उसके बाद अभी हम इसका गियर ऑयल चेक करेंगे। गियर ऑयल में क्या होता है, ये 7000 किलोमीटर चला है तो हमें रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गियर ऑयल को मोस्टली एवरी 10000 किलोमीटर पे ही रिप्लेस करते हैं। तो इंजन का हमारा सारा काम हो गया है, अभी हम फ्रंट ब्रेक्स और रियर ब्रेक्स चेक करेंगे और क्लीन करेंगे। 24mm के बॉक्स सॉकेट की हेल्प से हम इसका जो रियर का व्हील नट है उसको लूज करेंगे। नट खोलने के बाद इसके टायर को रिमूव करेंगे। इसके अंदर का जितना भी स्लज है, कार्बन स्लज, उसको पूरे को क्लीन करेंगे। अब ये जो लेदर है इनको रिमूव करेंगे, पॉलिश पेपर की हेल्प से ड्रम के अंदर क्लीन करेंगे। लाइनर पे पॉलिश पेपर मारेंगे। ये देखो, ये हमारा क्लीन हो गया है, जो क्लीन किया है उसमें और जो क्लीन नहीं है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों लेदर हमने क्लीन कर लिया है, अब इसको कपड़े से क्लीन करेंगे। लेदर के स्प्रिंग पे आप कोई भी ग्रीस या लुब्रिकेंट ना लगाए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ऐसे लुब्रिकेंट लगाते हैं। उसका एक कौन ये है कि जब जैसे ही आपका ये घिसता है तो जो भी इसका स्टफ होता है वो आके उसको चिपक जाता है और इसको जाम कर देता है। तो इसमें ऑयल ब्रेकिंग के मामले में आप कोई भी ऑयल या ग्रीस इसमें ना लगाएं। इसको अच्छे से इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद एक बार मूवमेंट भी करके देखें। टायर लगाने के बाद इसका व्हील नट और वॉशर दोनों लगा देंगे। सेम हम ऐसा फ्रंट ब्रेक भी क्लीन करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका कवर खोलना होगा। एक साइड हम 14mm का स्पैनर यूज करेंगे और दूसरा साइड हम ये 19mm का बॉक्स सॉकेट यूज करेंगे नट को लूज करने के लिए। नट लूज करने के बाद हमने एक्सल निकाल लिया है। एक्सल निकालने के बाद अभी हम टायर को रिमूव करेंगे और उसके बाद लाइनर खोल के उसको लाइनर को क्लीन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसीलिए मैंने इसका आपको क्लीनिंग प्रोसेस नहीं दिखाया। ये लेदर भी मैंने क्लीन कर लिया है, ये देखिए दूसरा लेदर, और ये ड्रम भी हमने क्लीन कर लिया है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। हमारी पूरी सर्विस हो गई है। अभी हम इसका हॉर्न, हेड इंडिकेटर और ये हेडलाइट का अपर बीम और लोअर बीम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमारा पूरा काम हो जाएगा। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो आप बल्ब रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें सर्विस इंडिकेटर का भी लाइट आ रहा है। ये वाला वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया है इसीलिए इसको मैं, इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सर्विस रिसेट की जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही डाल दूंगा।